तो भाई कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पर तीन क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि स्टूडियो मास्टर का मिक्सर लाइव के लिए बेस्ट है क्या, और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आहूजा का L12MB 300 वर्सेस स्वेटन का 12PT 400 DJ के लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, मतलब दोनों स्पीकर में से कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि स्ट्रेंजर का SPB 6K निकलेगा क्या, मतलब 6K आएगा या नहीं, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा, फुल डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए बात करेंगे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है हमारा स्टूडियो मास्टर का मिक्सर जो कि लाइव के लिए अच्छा है या नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं, स्टूडियो मास्टर का जो मिक्सर है बहुत सारे मॉडल आते हैं, यहाँ पर मैं कोई एक मिक्सर पकड़ के चलता हूँ जो कि यहाँ पर 16.2 EFX, मतलब डायमंड क्लब का 16.2 EFX मिक्सर आता है, जो कि 16 चैनल मिक्सर आता है। तो इस मिक्सर को आप लाइव के लिए यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मिक्सर आपको देखने को मिलेंगे स्टूडियो मास्टर के ऊपर। तो आप कोई भी मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके बजट के ऊपर फिट बैठता हो। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टूडियो मास्टर का जो मिक्सर है वो लाइव में काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इको के लिए, डिले के लिए आप अलग से DD3 का यूज़ करें, जैसे कि आप सिंगर को जब देते हैं तो उसके लिए यहाँ पर इको जो है उतना अच्छे से आप यहाँ पर मज़ा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि DD3 का अलग ही साउंड होता है। और स्टूडियो मास्टर में जो डायमंड क्लब 16.2 EFX में है, इसमें भी डिले दिया गया है, लेकिन उतना अच्छे से यहाँ पर आपको मज़ा नहीं आएगा। ये है कि आप काम चला सकते हैं, इतना आपको इको इसमें मिल जाता है, काफ़ी अच्छा इको भी काम करता है, लेकिन DD3 में जो है वो अलग ही मज़ा आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यह है कि स्टूडियो मास्टर का जो मिक्सर है वो लाइव के लिए आप चला सकते हैं, और काफ़ी अच्छा मिक्सर है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें कि आता है स्वेटन का 12PT 400 LAMB, जो कि 400 वाट AES पावर में स्पीकर है। और दूसरा स्पीकर हमारे पास रहेगा आहूजा का L12MB 300, जो कि 300 RMS पावर में स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। दोनों का कंपेयर करेंगे, कौन सा स्पीकर हमें लेना चाहिए DJ के लिए, कौन सा लेना चाहिए, तो ये हम बात करने वाले इस वीडियो में। दोनों का प्राइस भी बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं स्वेटन का 12PT 400 LAMB स्पीकर के बारे में, स्पेसिफिकेशन प्लस यहाँ पर आहूजा का L12MB 300, जो कि 300 वाट RMS पावर में स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। दोनों का स्पेसिफिकेशन हम जो है साथ में देखेंगे, साथ ही साथ आपको TS पैरामीटर्स भी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो का एंड तक देखते रहेगा। तो चलिए बात करेंगे पहले स्पेसिफिकेशन से लेकर फुल डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर स्वेटन का जो 12PT 400 LAMB है, इसका मॉडल नंबर होता है, और आहूजा का जो L12MB 300 है, इसका मॉडल नंबर होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे नॉमिनल डायमीटर के बारे में। 310 mm आपको मिलता है स्वेटन के स्पीकर में, और 305 mm मिलता है यहाँ पर आहूजा के स्पीकर में, जो कि आपका स्पीकर का जो डायमीटर होता है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। और दोनों स्पीकर 12 इंच के हैं, और यहाँ पर इम्पीडेंस दोनों स्पीकर में आपको 8 ओम्स देखने को मिलता है। पावर के बारे में बात करेंगे तो 400 वाट AES पावर में आता है स्वेटन का स्पीकर, जो कि RMS में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो अप्रोक्स 300 वाट के आसपास अब RMS इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो हम इसे 300 वाट RMS भी लेकर के चल सकते हैं। प्लस यहाँ पर आहूजा का स्पीकर भी आपको 300 वाट RMS पावर में देखने को मिल जाता है। प्रोग्राम पावर 600 वाट RMS पावर, जो कि आहूजा का स्पीकर है, और 800 वाट AES पावर, जो कि स्वेटन का स्पीकर है, इसका RMS पावर जो निकलेगा वो 600 वाट निकलेगा। अगर हम AES टू RMS कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 800 वाट AES पावर का 600 वाट RMS पावर आपका निकल जाता है। वहीं हम बात करेंगे सेंसिविटी का, तो सेंसिविटी जो है वो यहाँ पर आपको 98 dB देखने को मिलता है स्वेटन के स्पीकर में, और 99 dB आपको आहूजा के स्पीकर में देखने को मिल जाते हैं। वायर मटेरियल के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आपका वॉइस कॉइल, आपका जो वॉइस कॉइल होता है उसका वायर मटेरियल जो इसमें यूज़ किया गया है वो CCAW यूज़ किया गया है। स्वेटन स्पीकर और आहूजा स्पीकर में दोनों सेम वॉइस कॉइल लगे हुए हैं, और वॉइस कॉइल जो है आपका 3 इंची का वॉइस कॉइल लगा हुआ है। दोनों में इन आउट वॉइस कॉइल यूज़ किया गया है,
ग्रोस वेट भी लगभग अप्रोक्स सिमिलर होगा। 8 किलो 100 ग्राम स्वेटन का स्पीकर है और अप्रोक्स जो है अहुजा का भी स्पीकर ग्रोस वेट 8 किलो के आसपास ही रहेगा। 8 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम कुछ इस टाइप से ही आपका वेट होने वाला है। दोनों स्पीकर का वेट जो है वो सेम ही रहेगा आपका, थोड़ा बहुत का अंतर रहेगा 200-300 ग्राम जो भी है वो आपका डिफरेंस पड़ सकता है, लेकिन लगभग लगभग सिमिलर ही वेट होने वाला है। वहीं हम बात करेंगे टीएस पैरामीटर के बारे में, तो टीएस पैरामीटर आप देख सकते हैं एफएस 50 हर्ट्ज जो कि स्वेटन में मिलते हैं, 48 हर्ट्ज अहुजा मिलते हैं, आरई 5.5 ओम्स यहां पर स्वेटन में देखने को मिलता है, 5.4 ओम्स यहां पर अहुजा मिलता है, क्यूईएस 0.4 स्वेटन में मिलता है, 0.33 अहुजा मिलता है, QMS 5.4 यहाँ पर आपको स्वेटन में मिलता है, 4.94 यहाँ पर अहुजा मिलता है, QTS 0.37 स्वेटन में मिलता है, 0.30 यहाँ पर अहुजा में देखने को मिल जाता है, वास जो है यहाँ पर 123 LT और यहाँ पर 71.0 LTR मतलब यहाँ पर आपका अहुजा में देखने को मिल जाता है, MMS 52.1 GM और यहाँ पर 54.55 GM आपको देखने को मिलता है अहुजा के स्पीकर में। अब हम बात करते हैं दोनों में से कौन सा डीजे के लिए लेना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको सीधे सीधे ये कहना चाहूँगा कि दोनों स्पीकर काफ़ी अच्छे हैं, दोनों स्पीकर में से आप कोई भी ले सकते हैं, प्राइस भी अप्रोक्स सिमिलर है। प्राइस के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, प्राइस जो है स्वेटन का स्पीकर आपको 4000 से 4500 के बीच में मिलेगा, मतलब 4000 से लेकर के 4500 रुपये के बीच में आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा मार्केट में। वहीं हम बात करेंगे अहुजा का स्पीकर जो कि इसका प्राइस भी अप्रोक्स 4000 से लेकर के 4500 के बीच में जो है स्पीकर मिल जाता है। प्राइस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, 400-500 रुपये के आसपास जो है ज़्यादा भी आपको पड़ सकता है क्योंकि सभी मार्केट में अलग अलग प्राइस होते हैं और जो प्राइस बताया है वो अप्रोक्सीमेटली प्राइस बताया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोनों स्पीकर में से हमें कौन सा लेना चाहिए, तो दोनों स्पीकर का जो चेचिस है वो आप देख सकते हैं दोनों में काफ़ी अच्छा मजबूत दिया गया है, टर्मिनल सॉकेट भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। यहाँ पर पेपर कोन में जो है आप देख सकते हैं पेपर कोन यहाँ पर स्वेटन का थोड़ा अलग दिया गया है, 3 लेयर में यहाँ पर आपको एक्समास देखने को मिलता है और यहाँ पर अहुजा में 2 लेयर में एक्समास देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होता है अहुजा में आपको 2 लेयर में देखने को मिल रहा है जो कि मिड और बेस काफ़ी अच्छा काम करेगा क्योंकि आपको कोन थोड़ा सा अलग टाइप से देखने को मिलता है, तो इसमें आपको बेस जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा अहुजा के स्पीकर में कंपेयर टू स्वेटन का 12PT 400 LAMB। तो यहाँ पर स्वेटन के स्पीकर में थोड़ा सा आपको मिड और हाई जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, बेस भी आपको मिलेगा, लेकिन कंपेयर टू अहुजा के स्पीकर से आपको मिड और हाई जो है वो ज़्यादा मिलेगा स्वेटन के स्पीकर में, और अहुजा के स्पीकर में आपको मिड और बेस काफ़ी अच्छा मिलेगा कंपेयर टू स्वेटन के स्पीकर के हिसाब से, जो हम यहाँ पर दोनों मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो दोनों में से हमें कौन सा लेना चाहिए, तो वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप बेस के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो कुल मिलाकर के हम डीजे में यूज़ करेंगे तो बेस के ही साथ यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्वेटन की तरफ जा सकते हैं क्योंकि आपको इसमें मिड और हाइक आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है जिसमें कि आपको लॉन्ग थ्रो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। प्लस यहाँ पर आपका ये पॉइंट हो जाता है कि आप यहाँ पर बेस के साथ यूज़ करते हैं तो आपको लॉन्ग थ्रो काफ़ी अच्छा मिलेगा, मिड और हाई काफ़ी अच्छा मिलेगा, तो आप यहाँ पर अलग से HF लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप स्वेटन की तरफ जा सकते हैं। अगर हम वही बात करेंगे अगर हम डुअल 12 इंच के अगर बॉक्स बनाते हैं विदाउट बेस के लिए साथ यूज़ करते हैं या फिर बेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं तो आप उस जगह में यहाँ पर अहुजा काफ़ी अच्छा काम करने वाला है क्योंकि इसमें आपको मिड और बेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के लॉन्ग थ्रो ज़्यादा मिलेगा आपको 12PT 400 LAMB में और अहुजा में थोड़ा सा जो है बेस ज़्यादा मिलेगा तो लॉन्ग थ्रो भी थोड़ा सा कम मिल सकता है, लेकिन दोनों स्पीकर काफ़ी अच्छे हैं अपने जगह पर, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। जो आपके मार्केट में ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है वो स्पीकर आप यूज़ करें। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर स्टेंजर का SPB 6K आएगा या नहीं। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पर भाई का कमेंट था, तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं SPB 6K आएगा या नहीं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि यहाँ पर स्टेंजर का जो SPB 6K है वो अगर आना रहता तो कब का आ जाता, क्योंकि स्ट्रेंजर का जितने भी मॉडल है 2K 3K 4K और 5K जो आपको 4 मॉडल देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मॉडल हैं, प्लस बहुत दिनों से ये मॉडल जो है वो चले आ रहे हैं स्ट्रेंजर के एम्पलीफायर में, जो कि काफ़ी अच्छा जो है एम्पलीफायर बनाया जाता है जो कि कोलकाता मेड होता है। प्लस अगर 6K आना होता तो कब का आ जाता, अगर इतना दिन में नहीं आया है, इतना सालों तक नहीं आया है, तो चांस जो है वो कम है,
लेकिन आ भी सकता है, तो इसके ऊपर मैं नहीं कह सकता कि नहीं आएगा या फिर आएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा ये सोच है कि सिक्स के अगर आना रहता, स्टेंजर का एसपीबी सिक्स के अगर लॉन्च होना रहता, तो कब का जो है एम्पलीफायर लॉन्च हो जाता, जैसे कि MT-1601 आया और MT-2201 भी आ गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं, मतलब कि स्टेंजर का सिक्स के भी जो है आ सकता है, और आएगा तो काफ़ी सही है, हेवी हेवी टॉप चलाने के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। टूम्स के ऊपर बहुत सारे भाई लोगों के पास जो है अगर बजट कम है तो उस रेंज में जो है काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है, प्लस काफ़ी रफ़ एंड टफ एम्पलीफायर है और काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर भी है। तो आपका क्या राय है, आपका क्या कमेंट है, स्टेंजर एसपीबी सिक्स के आएगा या नहीं? मेरा यहाँ पर 50-50 के ऊपर रहेगा, 50% आएगा और 50% नहीं भी आ सकता, मतलब दोनों तरफ मेरा यहाँ पर राय रहेगा, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो इसके ऊपर मैं आपको छोड़ता हूँ, आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताइएगा आएगा या नहीं, आ सकता है या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करें। वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है क्योंकि 3 कमेंट का आंसर करना था, प्लस यूनिक सवाल थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर कमेंट का जो है मैं पिक कर लेता हूँ, और बहुत सारे कमेंट अभी पड़े हुए हैं। तो वीडियो चैनल में बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।